हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ अबाउट दिस माय स्किन केयर रूटीन एंड हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम जनरली सोचते हैं कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से ऐसा क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट बिलीव मी, आप बस 1 वीक चैलेंज लीजिए मेरे साथ और आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा आपकी स्किन में। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ करती थी, बट जब से मैंने स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया है, ऑल्दो माय स्किन इज स्टिल ड्राई बट एक्सट्रीम ड्राई नहीं है। ऑफकोर्स हमारे स्किन का टाइप होता है, उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। मैंने अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन, उसकी केयर किस तरीके से करनी है, इसके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। सो अभी जो मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ वो बहुत ही, जैसे हम क्रैश कोर्स करते हैं ना, बहुत सिंपल टिप्स है। अगर आप हर रोज़ स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। सो बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की ओर। अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे। सो सनस्क्रीन बहुत इग्नोर्ड चीज़ है हमारे यहाँ पर, तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके स्किन को डैमेज करती है सन रेज। सो उसको, उससे आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको डेली सनस्क्रीन यूज़ करना ही होगा। जैसे कोरियन स्किन केयर रूटीन अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ पर हर एक चीज़ में SPF होता है, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो चाहे मेकअप हो। हमारे यहाँ पर मॉइस्चराइज़र में तो SPF मिल जाता है बट कॉस्मेटिक्स में या मेकअप प्रोडक्ट्स में बहुत कम दिखाई देता है, बट उनके यहाँ पर इवन लिपस्टिक एंड योर फाउंडेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ SPF। सो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। एक्सफोलिएट योर स्किन वंस अ वीक। सो जो स्क्रबिंग हम जिसे बोलते हैं, जो स्क्रब मार्केट में मिलते हैं, उसका यूज़ आपको वंस अ वीक करना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आपको वंस अ वीक करना है और आपको बहुत माइल्ड सब स्क्रब यूज़ करना है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन स्क्रब योर स्किन ट्वाइस अ वीक। और ये क्या करता है, जो डेड स्किन होती है वो सब रिमूव कर देता है। जो जब हम स्क्रबिंग करते हैं सो डेड सेल्स हमारे रिमूव होते हैं, इससे क्या होता है जो कि हमारी न्यू स्किन होती है वो ऊपर आती है, उसके ऊपर की जो डेड स्किन की लेयर होती है वो साफ होती है, उससे हमें इंस्टेंट ब्राइट स्किन मिलती है। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। वियर मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र ये बहुत ही, मतलब हम क्या सोचते हैं कि बस विंटर में यूज़ किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको हर रोज़ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही चाहिए। इनफैक्ट मेरी स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ करती थी तो मैं दिन में 2 बार भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती थी, या तो फिर विंटर में भी हमको 2 टाइम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है। बट डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कुछ लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल भी एज अ मॉइस्चराइज़र एक्ट करता है, या तो फिर एक्वा जेल मिलते हैं, गार्नियर का बहुत अच्छा एक्वा बूस्ट जेल है, वो काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। हाउएवर मेरी स्किन ड्राई है, बट समर सीजन में इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उस टाइम पे मैं भी लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। सो ये जो एक्वा बूस्ट है ये मैंने भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। उस टाइप के मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, एंड फॉर कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन आप चूज़ कर सकते हैं। यू नीड टू यूज़ अ हैवी क्रीम लाइक मॉइस्चराइजर, जैसे कि निविया का वगैरह आता है ना, उस टाइप से। बढ़ते अगले टिप की ओर। ड्रिंक मोर वाटर। ये तो पॉइंट आपने हर जगह देखा होगा, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे स्किन के लिए अच्छा है, सो व्हाई नॉट। बढ़ते अगले टिप की ओर। डू फेस मास्क एवरी वीक। सो ये जो चीज़ है कि स्क्रबिंग कितने बार करना है, मास्क कितने बार लगाना है, सो आप इसको वंस अ वीक कर सकते हैं। मास्क जो होता है वो स्किन को थोड़ा बहुत ड्राई कर ही देता है। तो एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी आप फेस मास्क लगाएंगे तो उसको 100% ड्राई, एकदम कड़क ड्राई आपके फेस पे नहीं होने देना है। वो जब 70-80% ड्राई होता है ना, उसी टाइम पे आपको उसको वॉश कर लेना है, ताकि आपका स्किन ड्राई ना पड़े उसको वॉश करने के बाद। और कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर यू डू अ फेस मास्क के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्किन को ड्राई आउट करता है। सो बढ़ते अगले टिप की ओर। अवॉइड पॉपिंग पिंपल्स। सो ये बहुत लोग करते हैं, पिंपल अगर आता है किसी को अच्छा नहीं लगता, और ऐसा होता है कि कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट के पहले ही हमको पिंपल आ जाता है, सो उसको कभी भी पॉप नहीं करना है। आप आजकल वो स्पॉट करेक्शन या तो पिंपल स्पॉट वो मिलते हैं, पैचेस मिलते हैं, सो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे ओवरनाइट 1-2 दिन में आपका पिंपल हट जाएगा, बट आपको उसको पॉप नहीं करना है। बढ़ते अगले टिप की ओर। अवॉइड टचिंग योर फेस।
कई बार हम कैसे भी हाथों से फेस को टच करते हैं, किसी किसी को आदत होती है, किसी से बात करते करते कोई ऐसा करता है कोई ऐसा करता है, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारे हाथ कई जगह को हम टच करते हैं, हम कई सारे काम करते हैं। सो वो जो स्किन, वो जो डर्ट वगैरह होता है, वो सब हम हमारे स्किन पर ऐसे टच करके लगा देते हैं। सो अवॉइड करिए ये चीज़, और मेक श्योर कि आपके पिलो जहाँ पर आप सोते हैं रात में, तो वो पिलो आप उसको चेंज करते रहे जितना फ्रिक्वेंटली आपको पॉसिबल है, बट कम से कम वीक में आप कोई संडे डिसाइड कर दो कि संडे के दिन आपको आपका बेडशीट एंड आपका पिलो चेंज करना है हर संडे। सो कम से कम वीक वीक में एक बार तो आपको ये चेंज करना करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर, हैव अ गुड स्लीप। सो स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन हमारे हेल्थ के बारे में भी और हमारे स्किन के बारे में भी। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा जागते हैं रात में, लेट नाइट सोते हैं, तो आपको डार्क सर्कल हो जाता है, स्किन भी ड्राई ड्राई होने लगती है, स्किन पर पिंपल्स भी आते हैं। सो मेक श्योर कि आप अच्छी पूरी स्लीप लें, आरामदायक स्लीप लें, जिससे कि दूसरे दिन आप बिल्कुल फ्रेश उठें। सो आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।